हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है बजाज सीटी 110X। अब ये एक्स क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ एक्स फैक्टर ऐड हो गया है, और वो क्या है मैं आपको इस वॉक अराउंड वीडियो में बताऊंगा। ये जो हेडलैम्प क्लस्टर है इसका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं हेडलैम्प के ऊपर एक गार्ड या ग्रिल अब आ चुकी है, और इसे थोड़ा सा एक रगेड लुक देती है। वैसे ये हेलोजन की हेडलैम्प है, और ऊपर आपको LED के DRLs मिलेंगे इस बाइक में इस तरह से। और नीचे अगर आप देखें तो इसका मडगार्ड जो है अब ये थोड़ा सा रेज हो गया है, थोड़ा सा इसका जो हाइट है ये बढ़ गई है एक एक्स फैक्टर या एक्स इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको शू मिल जाएगा यहाँ शॉकअप के ऊपर, ये भी एक अच्छा लुक देता है इसे। 17-inch के अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैक एंड ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 2.75x17 का टायर सेक्शन है, और ये सेमी नॉबी टाइप के टायर्स हैं जो ऑफ कोर्स सीडी 110 में भी आते हैं, इसमें भी वही कंटिन्यू किए गए हैं। ये टायर जो हैं आपको हेल्प करते हैं अगर आप कच्चे सड़कों पे चलाते हैं, गांव टाइप की सड़कों पे चलाते हैं, तो ये टायर्स काफ़ी काम में आते हैं, ग्रिप आपको अच्छा देते हैं हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंजन गार्ड जो है ये इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है ये, और लुक भी काफ़ी अच्छा देता है इसे। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 170 mm का है। बाकी सारी चीज़ें सीटी 110 की तरह ही है, जो फ्यूल टैंक है इसका सेम है। यहाँ पे ग्राफिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, काफ़ी जैजी है, और यहाँ पे टैंक पैड दिया हुआ है, वो भी सीटी 110 में भी आता है, इसमें भी आपको वो मिलता है। फ्यूल टैंक जो है इसका 11 लीटर का है, और ये देखिए यहाँ इसके साइड पैनल पर आपको एक्स की बैज भी दिखाई देगी, 110X। सीट की स्टाइलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, सिंगल पीस का सीट है, काफ़ी बड़ा सीट है, चौड़ा भी है, कंफर्टेबल भी लगता है ये। यहाँ पे वाइट कलर की स्टिचिंग इसके ऊपर आपको मिलेगी, थोड़ा सा इसका प्रीमियम क्वोशेंट इसमें बढ़ जाता है। और पीछे आप देखेंगे कि इसके क्रैब हैंडल पे यहाँ पे आपको एक रबर का पीस मिलता है जो काफ़ी अच्छा है होल्ड करने के लिए, और पीछे यहाँ पर आपको प्लेट मिलता है, सामान वगैरह आप ईज़िली इसमें बांध सकते हैं। इट लुक्स प्रीटी गुड ऑल्सो। टेल लैम्प इसकी सेम 110 जैसी है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और जो इसका पीछे का टायर है ये 3.00x17 सेक्शन का है। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, पीछे 110 mm का ड्रम मिलता है, डिस्क ब्रेक ऑप्शन इसमें नहीं आता है, और इसमें आपको CBS मिलता है यानी कंबाइंड ब्रेकिंग ऑप्शन मिलता है। इंजन की अगर इसकी बात करें तो सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है ये 110cc का, 8.6 PS पावर है जो 7500 RPM पे आता है, और 9.81 Nm टॉर्क है जो 5000 RPM पे आता है। फोर स्पीड का इसमें गियर बॉक्स है, शिफ्ट पैटर्न इसका ऑल डाउन का है, हील शिफ्टर भी इसमें अवेलेबल है जो काफ़ी ईजी बना देता है। ये मोटरसाइकिल जो है BS6 है, लेकिन इसमें कार्बोरेटर आता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता है, और ये इसका फ्यूल कॉक इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें एक और एडिशन ये है कि इसके जो क्रैश गार्ड हैं थोड़े वाइड हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रोटेक्शन है रबर का यहाँ पे, ताकि इनकेस कोई क्रैश होता है तो आपको पैर में चोट नहीं आएगी इसकी वजह से। तो ये एक नया एडिशन है जो काफ़ी अच्छा लगता है। सीट के बारे में मैंने आपको बताया है, एक और एडिशन इसमें ये है कि आपको इसके सारी गार्ड पर यहाँ पर फुट गार्ड मिलता है, लेफ़्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पे भी आपको फुट गार्ड मिलता है या फुट सपोर्ट मिलता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, आफ्टर मार्केट में काफ़ी लोग लगवाते हैं, और इसमें आपको ये मिल जाता है, ये देखिए इस तरह से। और ये इसका एग्जॉस्ट है मैट ब्लैक फिनिश में और ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में, लुक काफ़ी अच्छा मिलता है इसकी वजह से, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको इसमें से मिलता है। पेंट क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से काफ़ी प्रीमियम लग रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये एक सिंपल सा यूनिट है, यहाँ पे एक स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, कोई ट्रिप मीटर नहीं है इसमें, और यहाँ पे फ्यूल गेज है। टेलटेल लैंप्स यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, और ये इसका इग्निशन स्विच है, इस तरह से स्टार्ट होती है। इसमें किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ऑप्शन है, ये इसका किक स्टार्टर है, और
काफ़ी मफल्ड साइलेंट इंजन है, सॉफ्ट लगता है ये। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा है, ख़राब सड़कों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा सा रेज्ड इफ़ेक्ट आपको इसमें दिखाई देता है। CT 110 में माइलेज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, 70 प्लस किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर राइडिंग कंडीशंस में। वो एक हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है बजाज सिटी का, और अब ये 110 जो है एक्स के साथ लुक में भी थोड़ी सी रगेड लगने लग गई है। अब इसकी जो प्राइस है एक शोरूम पुणे में, ये 55,800 की है, लगभग 56,000 रुपीज़ एक शोरूम। ये बाइक साइज सर्विस पुणे में अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं, यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और भी कलर ऑप्शंस आते हैं इसमें, लेकिन ये जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ऑन रोड प्राइस इसकी लगभग 70,000 की है, जो लगभग 2,000 रुपये ज़्यादा है रेगुलर CT 110 के ऊपर। आपको 2,000 रुपये आप ज़्यादा देंगे तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने बताया। फिर से एक बार ब्रश कर लूँ, ये आपको मिलता है जो हेडलैम्प के ऊपर के ग्रिल है, यहाँ पे आपको रबराइज्ड इफ़ेक्ट मिलता है इसके क्रैश गार्ड पे, यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाता है दोनों तरफ, और पीछे भी आपको यहाँ पे प्लेट मिलता है, और यहाँ पे भी रबर का ग्रिप मिलता है। सीट का जो लुक है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे चेंजेस हैं एक्स के। आप हमें कमेंट से बताइए ये बाइक आपको कैसी लग रही है, क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द हाज़िर होंगे इसके एक रिव्यू के साथ भी, और हम आपके लिए इसका एक माइलेज टेस्ट भी लाने की कोशिश करेंगे जल्द ही। सो टेक केयर, बी सेफ, जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए। गुड बाय।